बाद भी एक रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। एक रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे, 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे, घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए, देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई, उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए।
लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, एक साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, एक रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया है। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट घसीट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छटपटाहट है कि वो किसी तरह से अपने खिलाफ मुंह खोलने वालों को, आवाज उठाने वालों को चुप करना चाहते हैं।